हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मलाई का मैं घी निकालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे निकालते हैं। ये पैन लिया और इसी में मैं इसको रखूंगी। और इसको भी पलट के मैं आपको दिखाऊंगी पका के। मैं अमूल का फुल क्रीम दूध लेती हूँ और ये बस 4-5 दिन का मलाई इकट्ठा हुआ है और मैं अब गैस ऑन करूंगी, इसको पकाऊंगी ऐसे। मैं मलाई निकाल के डायरेक्ट निकालती हूँ, फिर डायरेक्ट ही ऐसे पका रही हूँ, कुछ और इसमें खट्टा वट्टा कुछ नहीं डाली हूँ। ऐसे ही पकाऊंगी, अभी थोड़ा तेज आंच रहेगा, अभी ठंडा है ना, फ्रिज में से निकाली हूँ। फिर इसको अभी थोड़ी देर में धीमे आंच में कर दूंगी। इसको ऐसे ही लास्ट मोमेंट तक चला के रखना है, ऐसे रख के गैस पे ऐसे रख के छोड़ना नहीं, ऐसे इसको चलाते रहना, नहीं तो नीचे से ना पकड़ लेता है, जल जाता है। इसको बस ऐसे धीरे 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 ऐसे चलाते रहो। अब इसको मैं धीमी आंच पे कर दूंगी। बेटा अनिका हाय, क्या हुआ? ऐसा इसको धीरे धीरे चलाना है। थोड़ी देर में ये कुछ ऐसे हो जाता है, अभी और पकाएंगे तब घी छोड़ने लगेगा। इसे धीमे आंच पे पकाना है पूरा इसको। अभी घी छोड़ने वाला है। अब गाढ़ा हो गया, बस घी छोड़ने वाला है। इसको धीमे आंच पे ही पकाना है, अगर धीमे आंच पे नहीं पकाएंगे तो नीचे से पकड़ लेगा, जलने लगेगा। धीमे आंच पे ही, धीमे आंच, धीमे धीमे। देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये कुछ गाढ़ा हो गया, अब ये घी छोड़ रहा है। ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। पूरा घी छोड़ दिया, इसको लास्ट मोमेंट तक धीमे आंच पे ही चला चला के करना है। ये मावा है, इसका कुछ आप बना सकते हैं, मिठाई जो आपका मन हो आप बना के खाइए। आपका जो मन करे वो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। ये मावा
कितना अच्छा गीत छोड़ा है। इसको धीमे धीमे आंच पे चलाना होगा, नहीं तो नीचे से ना पकड़ लेता है, जलने लगता है। ये अमूल का फुल क्रीम दूध से कितना घी ढेर सारा निकला है, बस 4-5 दिन के मलाई से। दूध पका के फिर फ्रिज में रख दो और फिर अगले दिन निकालो इसका मलाई। बस ऐसे हम इकट्ठा करके, कल बृहस्पतिवार था तो कल नहीं घी निकालना चाहिए तो नहीं निकाले, आज शुक्रवार है तो क्या आज निकालें। खाने में भी बहुत अच्छा आता है, एकदम स्वादिष्ट और घर का शुद्ध घी। अभी इसको और थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा लाल हो जाए ये तो अच्छे से घी पक जाएगा। बस 1-2 मिनट और पकाऊंगी, बस टाइम लग जाता है वही 25-30 मिनट पकाने में, इतना टाइम लगा है। जब ढेर सारा रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा रहता है तो जल्दी से हो जाता है। मैं और पहले भी घी निकाली हूँ, ये देखिए बस 1-2 मिनट और। अभी पक गया है, मैं अब गैस ऑन करूंगी, बंद करूंगी। गैस मैंने ऑफ कर दिया, अब ये बंद कर दी है, देखिए तभी ये उबल रहा है कैसे पक रहा है, बहुत गर्म है ना इसलिए। देखिए गैस ऑफ है। अब इसे मैं कांच के जार में पलट के रखूंगी, घी सिम डाल के रखूंगी। छन्नी हाँ बेटा, मामा खाना, मामा बेटा अरे क्या मत करो, गिर जाएगा, छोड़ो। मत करो यार अनिका, भैया अभी गिरा दो यार, मत करो ना। आज इतना पूरा घी निकला है, पूरा ये भर गया सीसी कांच का जार।